अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सबसे पहले अपने देशवासियों को, बिहार वासियों को और स्पेशली सिवान के रहने वाले सभी लोगों को रमज़ान के 30 रोज़े रखने की दिली मुबारकबाद और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रमज़ान में आपके रोज़े को कबूल फरमाए और हम सभी को अपने सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के साथ अपना खात्मा करें। दूसरी, रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद का जो मौका आ रहा है हमारे सामने, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस ईद में आपस में सभी मिलजुल करके इस ईद को सेलिब्रेट करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपसी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, इस समाज के अंदर में रहने के लिए। ईद तो एक ज़रिया है कि जब हमने 30 रोज़े मुकम्मल किए हैं और इसमें अपनी शिद्दत को बर्दाश्त किया, हमने रोज़े रखे, अपने जिस्म के हर एक हिस्से से हमने इस रोज़ा को रखा है, तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसी ईद के, रमज़ान के मुकम्मल होने के मौके पे हम लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हमारे सभी भाई लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे घर आते हैं, सेवैया खाते हैं और आपसी प्यार मोहब्बत को बनाए रखते हैं। और आप सभी को यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल और मैं एज ए डायरेक्टर शेख अबरार अहमद की तरफ से और यूनिटी के समस्त टीचर के तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ कबूल करें, आपके नमाज, आपके रोज़े को कबूल करें।